सो हेलो गाइज, कैसे हो सारे? आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि आप ऑटोडी स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर कुछ इस टाइप का फेस स्मूथ कैसे कर पाओगे। सो गाइज, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को जल्दी से कर देना एक लाइक। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रखना। गाइज, आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक ने मेरा इंस्टाग्राम आईडी को भी नहीं फॉलो किया तो क्या कर रहा है, जाओ इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लो, लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए वीडियो के यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, सबसे पहले आप लोग को फोटो को शेयर करके ऑटोडेस्क ऐप के अंदर ओपन कर लेना है। एंड ऑटोडी ऐप के अंदर ओपन होते ही कुछ इस टाइप से आप लोग को इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को फर्स्ट टाइम स्टेप को आपका फेस को स्मूथ कर लेना है। स्मूथ करने के लिए आप लोग को सिंपल इस वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है। आप लोग का सामने बहुत सारा यहाँ पे ब्रश देखने को मिलेगा, तो आप लोग को सिंपली नीचे को जाना है। नीचे को जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे कुछ इस टाइप से ब्रश देखने को मिलेगा, ठीक है। इस टाइप से आप लोग को ब्रश देखने को मिलने के बाद आप लोग को यहाँ पे सेकेंड लाइन पे ये वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को जाना है, सीधा ही जाना है इसका सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद इसका फ्लोर को रख देना है आप लोग को 3% एंड इसको भी रख देना है 3%, ठीक है। एंड आप लोग साइज को फोटो के हिसाब से रख सकते हैं, आप लोग कितना भी स्पीड में करोगे उतना ही आप लोग साइज को रख सकते हैं। तो थोड़ा सा साइज कमा के करोगे तो ही अच्छा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख देगा 20 रखने के बाद आप लोग यहाँ पे कुछ इस टाइप से जूम कर लेना है फोटो को, मतलब कि जूम करके करना, ठीक है। जितना भी जूम कर सकते हो उतना ही जूम करके करना, अच्छा होगा। इस टाइप से जूम करने के बाद आप लोग इस टाइप से मतलब ब्रश कर देना है आपका फेस के अंदर। एंड जैसे कि देख सकते हैं आपका फेस यहाँ पे स्मूथ हो रहा है कितना प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है। इस टाइप से आप लोग फेस को स्मूथ कर सकते हैं, किसी भी फोटो का आप लोग फेस को स्मूथ कर सकते हैं। एंड गाइज, आप लोग इस एप्लीकेशन में फेस स्मूथ करोगे तो आपका फोटो का क्वालिटी घटेगा भी नहीं एंड कितना हाई क्वालिटी में सेव होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप लोग फेस को स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पूरा फोटो का फेस को स्मूथ कर लेता हूँ, तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ। सो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपका फोटो का यहाँ पे फेस इतना स्मूथ हो गया एंड कितना स्टाइलिश लग रहा है एंड कितना ऑसम लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस टाइप से किसी भी फोटो का आप लोग फेस को स्मूथ कर सकते हैं। एंड इसलिए एप्लीकेशन में अगर आप लोग फेस स्मूथ कर रहे हो तो आपका फोटो का क्वालिटी भी लो नहीं होगा, ठीक है। HD क्वालिटी में आपका फोटो यहाँ पे सेव होगा। तो इस तरीके से आप लोग फेस स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस फोटो का फेस को व्हाइट कैसे करने वाला है, ठीक है। तो फेस को व्हाइट करने के लिए आप लोगों को स्नैपसीड एप्लीकेशन का यूज कर लेना है। तो आपको यहाँ पे फोटो फेस स्मूथ करने के बाद आप लोगों को सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आप लोगों को सिंपल इस वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है। इस वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद आप लोग गैलरी के अंदर क्लिक कर लेना, कर देना है सेव पे क्लिक। एंड सेव पे क्लिक करने के बाद आपका फोटो यहाँ पे सेव हो जाएगा। एंड फोटो को सेव करने के बाद आप लोग को ये फोटो को ओपन कर लेना है स्नैपसीड ऐप के अंदर। आप लोग को फर्स्ट टाइम पे स्टेप में अपने पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है। पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे सिलेक्टिव टूल यूज कर लेना है। तो आप लोग को सिलेक्टिव टूल पे कर देना है क्लिक। एंड क्लिक करने के बाद आप लोग को सिंपली फेस के अंदर यहाँ पे कुछ इस टाइप से लाइन ले आना है एंड आप लोग प्लस वाला आइकन को फेस के अंदर छोड़ देना है। एंड आप लोगों को कुछ इस टाइप से जूम करना है, ठीक है। जूम करने के बाद आप लोग आपका फेस को मतलब रेड कलर आप लोग का फेस को सिलेक्ट कर रहा है, तो आप लोग कितना भी सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब कि जितना भी बड़ा करोगे उतना ही सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग फेस को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे ऊपर की तरफ ले जाना है, ठीक है। ऊपर की तरफ ले जाने के बाद आप लोग को सैचुरेशन मिल जाएगा, सैचुरेशन पर छोड़ देना है एंड सैचुरेशन को माइनस कर लेना है। यहाँ पे सैचुरेशन को माइनस यहाँ पे 14 कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोगों को फिर से नीचे को जाना है। नीचे को रखने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ब्राइटनेस पे छोड़ देना है एंड ब्राइटनेस पे छोड़ देने के बाद आप लोगों को ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, ठीक है। तो ब्राइटनेस को आप लोगों को लगातार रख देना है, मतलब जितना भी फेस को व्हाइट करोगे उतना ही ब्राइटनेस रख लेना है। तो मैं यहाँ पर रख लूँगा 50 रखने के बाद आप लोगों को सिंपली राइट वाला आइकन पर क्लिक कर लेना है। एंड क्लिक करने के बाद इस यहाँ पे आपका फोटो देख सकते हैं, यहाँ पे फेस व्हाइट भी हो गया एंड फेस स्मूथ भी हो गया। तो इस तरीके से आप लोग फेस को स्मूथ एंड व्हाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फोटो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फोटो कर लेता हूँ सेव। सेव करने के लिए आप लोग को सिंपल यहाँ पे मिल जाएगा डन। डन पे कर देना क्लिक।
डन पे क्लिक करने के बाद ही आपका फोटो यहाँ पे सेव हो गया। सो गाइस वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट कर बताना। आई होप के वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना एक लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।